नमस्कार संचार न्यूज़ से शुभम, आपको हम बता दें अभी अभी हम निम्के गांव में मौजूद हैं। यहां पे एक ज़मीनी विवाद को लेकर आज पंचायत हुई है, पंचायत का क्या निर्णय आया है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसका आज के चार दिन पहले हम इस खबर को दिखाए थे पहला पक्ष, आज दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे, क्या पूरा मामला रहा है, क्या बात हुई है, क्या पंचायत का क्या कहना है, पूरी बात करना चाहते हैं कि क्या बात हुई है। पंचायत के सामने आपको हम बात करेंगे, देखते हैं क्या पूरी मामला आई है। वो नेपाल के लड़के, मैं महिपाल का हूँ, उससे पीछे जतन सिंह तेजू चार है। तो उसकी साइड में इसका प्लॉट खाली मकान था, इसका मकान तोड़ा, मकान तोड़ने के बाद उसकी सफाई करके अपने बाउंड्री कर ली, कब्जा कर लिया। और इसने बने मकान कैसे तोड़ सकते हो? उसने तोड़ दिया है, कमरा एक बना हुआ था, बाउंड्री हुई थी, तोड़ दिया उसने। और जब लोगों ने पूछा तो ये बोला कि मैं तबादला कर रहा हूँ, इसको मैं पीछे दूंगा बना बनाया मकान और मैं अगले का हिस्सा इसका ले लेता हूँ। तो लोगों ने कहा ठीक है। तो अब उस चीज़ के लिए इनसे बात हुई थी उनकी? नहीं, बात नहीं हुई बिल्कुल भी, अपनी मर्जी से। ये कमज़ोर आदमी है, इसके पीछे कोई है नहीं। हाँ, ये बिल्कुल ही एकदम कमज़ोर आदमी है, रहने के लिए सिर की छत उसने छीन ली। बाबा आपसे पूछा था जब आपके घर तोड़ने से पहले? एक मिनट, तो ऐसी जबरदस्ती आ गया आपका घर तोड़ दिया? और बैठ गया, कभी दरवाजा खोलता है, कभी इधर खोलता है, और जहाँ भी मिलेगा वहीं गाली। आपका क्या नाम? चमन। एक चीज बताइए कि आप कौन लगते हैं? मैं इनका भतीजा हूँ, बड़े इनके बड़े भाई का लड़का हूँ, वो सबसे बड़े वाले के लड़के हैं। आपके पिताजी तीन भाई हैं, उनका चार भाई हैं, उनका क्या नाम है जो जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं? आपका कहना है पी सनोप नेपाल, पहले एक हमारे चाचा थे, चाचा तेजू, उनकी जमीन वो एक्सपायर हो गई, उस पर बाउंड्री मार ली, हमने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं मारने दो। अब उसको ना पैसे दिए, वो जमीन कब्जा ली, कोई बात नहीं। एक मुद्दा और था कि इतना बेईमान आदमी, शमशान घाट में भी जो चाचा एक्सपायर हुआ ना हमारा, उसके पैसे से अपना और अपने पिताजी का नाम लिखवा दिया कि ये पप्पी सनोप नेपाल ने उनकी याद में बनवाया। सर एक उनका कहना था कि उनके साथ बदसलूकी किया जाता है, क्या इसमें कितना सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, पानी में डुबकोया इनको, मैं गवाह हूँ। और कहता है ना, मेरे सीसीटीवी कैमरे चेक कर लो, ये हमारी तरफ से पीछे से कूद के आता है, गली में कैमरे ऑन कर देता है, और पीछे से हमारा ना दीवार छोटी है तो हमारी मम्मी ने देखा है, ये पीछे से कूद के आता है, चोर दरवाजे इसके पास, इसने चोरी दरवाजे खोले हुए मकान के अंदर। और मैं ये कहता हूँ, कहता है कि पंचायत में तो बोल दिया कि मैं दिनांक, ये पंचायत का पर्चा है मेरे पास, दिनांक दिखाओ, इसमें पर्चा दिखाए, इसके साइन भी है, इसने बोला था मैं खाली कर दूंगा 2 महीने के अंदर। अच्छा अच्छा, अब इसने 14/4 को मतलब ये पंचायत हुई थी। हाँ, मैं 2 महीने के अंदर खाली कर दूंगा, लेकिन 2 महीने के अंदर ने इसको धमकी देना शुरू, गाली गलौज देना शुरू। अभी क्या हुआ, अभी मारपीट करने के बाद इसको घोड़ में धकेल दिया। अच्छा अच्छा, मैं उधर से आ रहा था, मैंने देखा तो ये उसमें हाथ पैर मार, मैंने कूद के इसको निकाला, बचाया, डायल 112 बुलाई मौके पे, डायल 112 बुला के हमने इसको निकाल के उनको सारी चीज दी। उन्होंने कहा कि आप FIR कर दो थाने में जाके, हमने वहाँ एप्लीकेशन दे दी, लेकिन बंदा पीछे से फिर घरवाली को लेके कपड़े फाड़ के कहता है जी इसने मेरी घरवाली की, उनका वो खुद के कपड़े खुद फाड़ते हैं और इन पे एलिगेशन लगाना चाहते हैं हमेशा। ये बेईमान टाइप आदमी है, कपड़े फाड़ते हैं, घरवाली भी इसकी बेशरम है, नहीं तो किसी की घरवाली जाती नहीं है। मैं इसको बोल चुका हूँ कई बार कि घरवाली मेरे भी भाई। आज पंचायत हुई, पंचायत का क्या निर्णय रहा? पंचायत ने बोला कि भाई ये बेशरम आदमी है, नालायक आदमी है, ये कानून कई इस पे कार्रवाई होगी तो करेगा, ये पंचायत की नहीं मानता बिल्कुल भी। पंचायत अपना फैसला दे गई लिख के, सब मेंबर सरपंच खड़ग मतलब सबके साइन है इसके अंदर, कहीं गवाही के लिए जरूरत पड़ेगी तो सारे जाने के लिए जा रहे, 28 आदमी के साइन है इसमें। पंचायत में अभी मौजूद कुछ लोग थे, इनसे हम बात करना चाहते हैं कि सर क्या पूरा मामला रहा, क्या आपका क्या कहना है कि वो कौन गलत है कौन सही है? अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, इसके आप पंचायत में थे, पंचायत मौजूद थे। सर क्या पूरे पंचायत का निर्णय क्या था? पंचायत का यही निर्णय था भाई, वो नहीं आ रहा है तो इनका जो पहले पंचायती रूप में फैसला हुआ था वो फैसला आज इनको दे दिया गया है पंचायत ने जतन सिंह को, और वो आए नहीं है, बुलाने गए थे उनको तो वो आए नहीं है। उनको बुलाने गए थे आप लोग? बुलाने के लिए मैं ही गया था तो वो आए नहीं है, और पंचायत बोली कि फैसला करके भाई जो इनका फैसला हुआ है 2 महीने के लिए इनके लिए बोला गया था कि 2 महीने में अगर जो खाली कर देता है तो ठीक है, नहीं तो हम फैसला इसको दे देंगे। तो आज जतन सिंह के हक में वो फैसला दिया गया, पंचायत जतन सिंह के हक में दिया फैसला। अगर नहीं मानता है तो अब इसके साथ कानूनी कार्रवाई करो, कानून सबके लिए बरोबर है, इंसाफ होगा। क्या आप ऐसे पुलिस प्रशासन में FIR करवा रखे हैं? हाँ, हमने डाल रखी है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। अब हम ये पंचायती फैसला लेके उनके पास जाएंगे, दिखाएंगे कि ये बेईमान आदमी है, आप इनको थोड़ा न्याय दिलाओ।
बस यही गुहार लगाएंगे और आगे तक हमें जाने की जरूरत पड़ेगी। आपका क्या कहना है, आप क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो? प्रशासन से हम मांग ये कर रहे हैं कि प्रशासन मेरी जमीन को खाली कराए और मुझे दिलाए और आगे से जो वो लिखा बताता है ना, मुझे बेईमान बताता है कि मैंने इसको पैसे दे रखे हैं और मैंने ये खरीद रखे है। कभी आप पे दो तीन बार ऐसे एलिगेशन लगे हैं कि आप उनको उनके कपड़े फाड़ते हो, चाहे उनके साथ बदसलूकी करते हो, क्या इसमें क्या सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं। ये पंच भी जानते हैं, गांव भी जानता है, मोहल्ला जानता है कि ये कितने अच्छे हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा तो भी हेलो चल दो जी। और अकाउंट में नगद दे रहे हो तो आप इनका पैसा है, इन्होंने एक चीज बना रखी है कि पैसे हड़पो और पैसे कोई मांगता है तो कपड़े फाड़ो और घरवाली को पीछे बिठाओ और सीधे चौकी में पहुंच जाओ। ये कानून को अपनी जागीर समझते हैं, ये नहीं कि कानून जिस दिन अपने पे आ गए। आपको हम बताना चाहते हैं कि अभी अभी आपको देखा, इनसे बात किए हैं जतन सिंह से, कि उनका कहना है कि हम कभी भी ऐसा उनके साथ बदसलूकी नहीं किए हैं, बसरते वो अपने आप से ही कपड़े फाड़ते हैं और डायरेक्ट थाने में पहुंच जाते हैं कि बार बार। और इस ज़मीन को ऐसे ऐसे इनके ज़मीन का दो तीन बार ऐसे एलिगेशन आ चुके हैं, दो तीन पीढ़ी में ऐसा हो चुका है कि बार बार उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये एक बार यहाँ से पंचायत का निर्णय हुआ है कि आप अपना ज़मीन पर कब्जा करें, चाहे आप अपना ज़मीन पर अधिकार रखें, नहीं तो आप पुलिस प्रशासन से पूरी कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन का मदद लें। संचार न्यूज़ के साथ बने रहें, शुभम कुमार के साथ।